ये नहीं कहा कि मेरे आइडियल है, मैंने ये कहा कि शाहिद अफरीदी अपने वक्त में पाकिस्तान का हीरो रहा है और शाहिद अफरीदी के खिलाफ अभी जो कैंपेन शुरू हुई है वो एक मुबैना बयान है जिसकी उसने तर्दीद की है खुद। मैंने इस बयान की ये ट्वीट जारी करने से पहले उसको उसका नंबर लेकर उसको फोन किया, जिंदगी में मैं कभी उससे मिला नहीं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये बयान जो आपको एट्रीब्यूट किया जा रहा है ये आपका बयान है, तो उसने कहा और इमरान खान के लिए इमरान भाई का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा एक शख्स जब खुद ही उस बयान की तर्दीद करे तो फिर हमारे लिए ये मुनासिब तो नहीं है कि उसकी ट्रॉलिंग। तो मैंने फिर इसीलिए अपने वर्कर्स के लिए पीटीआई के लिए ये एक पैगाम था और ये पैगाम इस तरह मोहम्मद खान साहब ने भी दिया, लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है बाकी कोई अगर हमारे साथ आइडियली नहीं है तो वो बेशक अपने रास्ता ना फिर हमारे हमारे साथ न होने पर या हमारे खिलाफ कोई सियासी बयान देने पर हम उसकी ट्रॉलिंग करें। खान के खिलाफ मैंने कहा था कि अगर कोई उसकी मर्द के बयान आते हैं तो उसको आज के वाकियात से न जोड़ा जाए। सर एनआरओ की बात हुई है, वो कहते हैं कि एनआरओ इदारों के पास होना चाहिए, वजीर आजम या सियासी पार्टियों के पास एनआरओ नहीं होना चाहिए, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ये शायद अफरीदी साहब के बयान है, एनआरओ को किसी ने मांगा भी है? सर खान साहब कहते हैं मैं नहीं दूंगा, 5 साल पूरे एनआरओ नहीं दूंगा, तो अभी वो कहते हैं कि वजीर आजम के पास नहीं होना चाहिए, सियासी पार्टियों के पास एनआरओ नहीं होना चाहिए। कभी पाकिस्तान में तारीख में एनआरओ का हक वजीर आजम के पास नहीं रहा। अच्छा ये बता दें सर, परेड में से जो गुज़िश्ता